हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू व्यूवर्स। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोलो, बहुत सारे लोगों को एक डाउट रहता हमारा, ये जितना भी आप लोग मटेरियल देख रहे हैं ना, कितना खर्चे में आता है बोल के, ओके, पैसा कितना लगता है बोल के, सब लोगों को एक डाउट रहता, स्पेशली फॉर घर की प्लम्बिंग के लिए, उसके लिए। तो आज की वीडियो में मैं वही बताना चाहता हूँ, जो भी एक नया घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, उनको मैं अपना इस एक प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताना चाहता हूँ। बने रहिए वीडियो को, एंड अगर आप नए भी हैं चैनल पर, यार सब्सक्राइब कर दो, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई खर्चा नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पर्ची भी है, तो स्पेशली एक डुप्लेक्स घर है 3 BHK वाला, इसमें टोटल 4 बेडरूम, 4 टॉयलेट रूम्स है, 3 बेडरूम है। 4 टॉयलेट रूम क्यों आया बोलो, सभी बेडरूम 3 बेडरूम है, 3 को अटैच्ड है, और एक्स्ट्रा जो है ना एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथ लिएगा, इसलिए टोटल 4 बन गए। और कॉमन टॉयलेट एंड बाथ भी बहुत ही सख्त ज़रूरत है। और अब देखिएगा, मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ, उन प्रोडक्ट्स का प्राइस भी जान लीजिएगा, इसको क्या क्या बोला जाता है। ये जितने भी आप लोग देख रहे हैं, देखो मटेरियल इस घर के लगभग 50,000 रुपीज़ का मटेरियल लाया गया, और जितना भी बचता देखो उसको हम वापस करने वाले भी हैं। सो देखिएगा, एक एक मैं बताता हूँ, और फर्स्ट मैं आपको रिसिप्ट दिखाता हूँ। रिसिप्ट देख लीजिएगा दोस्तों, ये वाला जो है रिसिप्ट है, हम लाया गया था उनके पास। सो टोटल जो है यहाँ पर 30,000 बिल हुआ है, और ये जो है दूसरे पार्ट का, इससे पहले भी हम कुछ मटेरियल लाए हैं 17,000 का, ओके, थोड़ा बहुत कुछ मटेरियल बच गया, जितना भी बच जाता हम उसको वापस उन पहले से बात करके चलाना। अब फिलहाल हम कंपनी यूज़ कर रहे हैं एस्ट्रॉल कंपनी का, ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं, कुछ भी नहीं, जस्ट आपकी जानकारी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। चलिए अब हम फर्स्ट एक एक करके हम इनका जान लेते हैं, प्राइस लिस्ट और डिटेल्स। सो फर्स्ट हम जानेंगे दोस्तों ये वाला, इसको, ये 4 इंच का प्रोडक्ट है, और जितना भी देख रहे हैं ना, 4 इंच 3 इंच नॉर्मल यूज़ होता है ये, इसको हम प्लेन बैंड बोला जाता है। ये मेरे को मिला है 111 रुपये को मिला है, ठीक है दोस्तों, 111 रुपये में मिला है ये वाला, इसको प्लेन बैंड बोला जाता। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये हो गया, इसको पी ट्रैप बोला जाता, स्पेशली जो टॉयलेट सीट रहता, देखो टॉयलेट का जो कनेक्टिंग पैन, इसको कनेक्टिंग पैन बोला जाता है, बिरला एचआईएल का है, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है ये वाला, यू क्लैम्प बोला जाता है इसको, यू क्लैम्प, और इसके साथ यू बोल्ट आता है। ये क्यों होना बोलो, अब हम एक कंसल टाइप में आता है, एक बाहर की तरफ लगाते हैं, देखो दो टाइप का आजकल नल ये कर रहे हैं, दीवार के अंदर ही छुप जाता है, ये बगैर दीवार का, मतलब इसको होल्डर है समझो, पाइप को ऐसा ये रहता, देखो ऐसा पाइप को जो है ये होल्ड करता इस तरह से, ये वाला देख रहे, देखो इस तरह से होल्ड करता, ये यू क्लैम्प, ओके। ये मेरे को पड़ा था 75 रुपीज़ प्लस 15 रुपये इसका एक आता है, वो इसमें डिपेंड रहता आपका पाइप कितना जा रहा है उसके हिसाब से रहता, ओके, ये 75 रुपीज़ प्लस 15 रुपीज़ पे ये हमको पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। ये 15 रुपये को आता है ये वाला चीज़, इसके साथ एक बोल्ट और वाइसर आता, ये वाला 75 रुपीज़ का, 6 इंच का है ये, ब्रैकेट बोला जाता है इसको। ये आता आपका नेक्स्ट, ये 149 रुपीज़ को है, ये प्लेन टी है, ये वाला जो देख रहे देखो ये प्लेन टी है, और ये 149 रुपीज़ को आया, प्लेन टी इसीलिए बोला जाता, इधर से कनेक्टिंग रहता है एक पाइप, इधर से कनेक्ट करते नीचे जाता है ऐसा, एक ऊपर की तरफ जाता, एक सीधा आपके बाथरूम के अंदर जाता है, एक नीचे चले जाता है, इसके लिए इसको प्लेन टी बोला जाता है, ओके। ये पूरे एस्ट्रॉल कंपनी का है समझो, 4 इंच का है ये वाला, जो है आपको वाई बोला जाता है, किधर तो अब दो को कनेक्ट करना, दो टॉयलेट रूम एक साथ कनेक्ट करना है बोलते, ये वाला आप यूज़ कर सकते हो, वाई बोला जाता है, इस तरह से आएगा एक दूसरी तरफ से, एक ऊपर की तरफ से, या फिर ऊपर लेकर जा रहे हैं थोड़ा बेंड, ये 45 बेंड की तरह एक्ट करता। अब नेक्स्ट आता ये वाला, ये डोर टी या फिर प्लग बेंड बोला जाता है इसको, स्टैंडर्ड भाषा में देख लीजिएगा इसे हम बोलते हैं प्लग बेंड बोला जाता है इसको, इसमें 3 इंच का भी आता और 4 इंच का भी आता, और इसका प्राइस है, ये डोर टी है, इसका प्राइस है 172 रुपीज़, ओके, ये डोर टी है, इसका प्राइस 172 रुपीज़ है। इसका फंक्शन देख लो, एक कनेक्ट करते दीवार की तरफ, एक जो है ऊपर की तरफ लेको जाते, एक नीचे की तरफ को लेको जाते हैं, और कपलर की मदद से इसको कंपाउंड किया, और इधर डोर क्यों बोले तो ये खुलते हैं, देखो अब कुछ तो आपको क्लीनिंग करना है, तो उस समय ना दोस्तों आपको
ये बहुत यूज़ होता। ये डोर टी बोलते हैं, डोर मतलब दरवाज़ा, इसको हम दरवाज़ा बोलते हैं। ओके, ये वाला चीज़ को दरवाज़ा बोलते हैं, इसलिए डोर टी ये 172 रुपीज़ को मिला है। अब नेक्स्ट आता है प्लेन टी, ये वाला जो है प्लेन टी है, इसको मतलब इसको दरवाज़ा नहीं रहता है, ये बगैर दरवाज़ा वाला, इसलिए इसको प्लेन टी, उसको जो है डोर टी या फिर प्लग बैंड बोलते हैं। ठीक है, ये मुझे पड़ा है, ये भी लगभग 150 रुपीज़ को आ जाता है। पूरा एस्ट्रॉल कंपनी का हम यूज़ कर रहे हैं इधर, आशीर्वाद भी अच्छा है, एस्ट्रॉल भी अच्छा है, सभी अच्छा है, बट डिपेंड रहता है क्वालिटी कौन चेक करता है यार, बस भरोसे के ऊपर ही लेते हैं। ये वाला पाइप आपको 335 रुपये में एक पाइप पड़ जाता है आपको खरीदी करे तो। ठीक है दोस्तों, 335 रुपये में आ जाता है, ये 3 इंच का पाइप है, मतलब 75 mm का ही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो है आपको इसको प्लेन टी, तो ये प्लग टी या फिर डोर बैंड बोला जाता है, डोर प्लग टी इसको क्यों बोले थे, इसको भी प्लग रहता है या फिर दरवाज़ा रहता है, देखो उसकी वजह से। ओके, इसके अंदर का वाइसर आप रख लीजिएगा, इसको खो मत, ये वाइसर रहना ज़रूरी है। ओके, जब भी कुछ क्लीनिंग करना है बोले तो आप क्लीन कर सकते हैं इजीली इसको। यहाँ पे भी कनेक्टिंग पाइप है, इस तरह से आता, देखो इस तरह से आपको दिखाई देगा, यहाँ से कनेक्टेड रहता, एक ऊपर तो लेकर जा सकते हैं या नीचे, ये ऊपर से अटैच कर सकते हैं, नीचे से फिर लेकर जा सकते ऐसे। ये डोर बैंड है, ओके, मतलब वन वे या डोर बैंड, बैंड मतलब 90 है, डोर प्लग टी, प्लग टी, प्लग टी, प्लेन टी, उसमें ये 90 वाला है। इसको अब ऐसा ऐसा कनेक्ट करते, देखो ऐसा कनेक्ट करते, यहाँ से एक इनलेट पाइप रहता, इस तरह से कनेक्टेड रहता, इधर से एक अंदर देते। ओके, ऐसा देके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये इस तरह से बैठ जाता है इसके अंदर। ओके, ऐसा कनेक्टेड रहता, और किधर तो आप ये नीचे लेके जाते इसको, और किधर तो ये कुछ रिपेयर करना है आपको, चेकिंग करना है बोले तो इसका ऊपर का ये छिलका निकाल के आप लोग क्लीनिंग कर सकते हैं इसको। इसके अंदर प्रेशर पानी डाल दिए तो पूरा थरोली क्लीन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया डोर बैंड या फिर प्लग टी बोल, प्लग बैंड बोलते हैं। ये भी प्लग बैंड 76 रुपीज़ में मिलता है, इसका रेट बोले तो 76 में मिल जाता। और उसके बाद ये आता प्लेन टी, 80 रुपीज़ को मिल जाता है ये वाला प्लेन टी, मतलब इसको कुछ भी, ये जैसा दरवाज़ा नहीं रहता समझो, प्लग नहीं रहता, ये प्राइस है प्लेन टी 80 रुपीज़ को मिला है। और ये भी प्लेन बैंड है, प्लेन बैंड मतलब इसको कहीं पे भी प्लग नहीं है ना, डोर नहीं है, इसको प्लेन बैंड बोलते हैं, 4 इंच का है। इसका प्राइस प्राइस शायद ये मालूम नहीं है। ये वाला जो है नैनी ट्रैप बोलता है, 3 इंच का नैनी ट्रैप, 4 इंच का नैनी ट्रैप, नैनी ट्रैप के ऊपर ऐसा कौन सा भी एक पाइप रहता, देखो ऐसा ऐसा कनेक्टेड रहता, यहाँ पर देखिए ये ऐसा कनेक्टेड रहता, इसको ऐसा कनेक्ट करते हैं। ओके, नैनी ट्रैप स्पेशली बाथरूम में उसमें यूज़ करते हैं। और उसके बाद ये 3 इंच का, ये 3 इंच का भी आता है, 4 इंच का भी आता है। अब देखो यहाँ पे और है कि ये वाला 4 इंच का, ये नैनी ट्रैप है। ओके, ये 3 इंच का है, 140 रुपीज़ को हमको पड़ा है, 3 इंच का है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 45 है। ओके, 3 इंच का 45, ये आपको 48 रुपीज़ में पड़ जाता है एक पीस से। ओके, ये वाला 3 इंच का प्लेन बैंड है। ओके, प्लेन बैंड है, ये 80 रुपीज़ में पड़ जाता है आपको। ये कपलर है, अब दो दो पाइप को आपको जॉइंट करना है समझो, इसमें 3 इंच का भी आता और एक दो टाइप के आते कपलर्स, ये 3 इंच का है और ये जो है 4 इंच का है, 4 इंच का, 3 इंच का, 3 इंच का जो रहता वो 42 रुपीज़ को है, 4 इंच का है 76 रुपीज़ को है, ये वाला चीज़। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें भी 45 बैंड आता, ये आपको 45 बैंड वो लगभग 50 रुपये में मिल जाता है। ये प्लेन बैंड है, ये 45 बैंड है। ओके, विथ कॉलर, इसको कॉलर बोला जाता, विथ कॉलर के साथ। ओके, ये 3 इंच का है, ये भी नैनी ट्रैप 4 इंच का। और लास्ट को हम टॉयलेट, टॉयलेट सीट रहता, देखो टॉयलेट के बाद वो एक ऐसा खड़ा पाइप रखते ना टॉयलेट रूम में, जिसका हम कुड्डी बिठाने वाले रहते, देखो उसके ऊपर कवर करना बोलता है, ऐसे एक कैप आता है एंड कैप बोल को, वो भी आप ले सकते। अब देखो दोस्तों, ये तो इस SWR के बारे में बताया, इसके बाद नेक्स्ट आता PVC, UCPVC का, मतलब जो वाटर लाइन रहता देखो उसके लिए, तो उसका प्राइस कितना पड़ता है देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर कुछ बेसिक आइटम्स हैं मेरे पास, तो यहाँ पर देखिएगा, इसको प्लेन बैंड बोला जाता है, कहीं पे भी इसको ब्रास वोसम नहीं रहता,
30 रुपीज़ में पड़ जाता आप लोगों को, ठीक है, खाली 30 रुपीज़ में। बट बहुत सारे लगते हैं, ये भी ये प्लेन टी है, ये 37 रुपीज़ को पड़ता आपको एक एक पीस। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये 45 है, ये आपको भी 35 रुपीज़ में पड़ जाता है ये वाला। एंड ये जो है ये बैंड बोलते हैं इसको, ये 8 रुपये में एक बैंड रहता, और ये ब्रास प्लेन ब्रास है, मतलब कपलर कपल के जैसा एक्ट करता, ओके। ये एंड पे आता है, एंड ब्रास कपल का रहता है, इसमें यल भी आते, सब टाइप का आते, ये आपको 86 रुपीज़ में पड़ जाता है एक एक पीस। इसके बाद ये आता है स्टेपओवर दोस्तों, ये स्टेपओवर है, पौन आधा का स्टेपओवर है, मतलब 4 इंच के पाइप के ऊपर ये बैठ जाता है, ये आपको 120 रुपये में मिल जाता। और ये कपलर आता, ये वाला कपलर 21 रुपये में एक आता कपलर, मतलब दो नॉर्मल पाइप रहते, देखो 4 इंच के, 1 इंच का पाइप को कनेक्टेड करता, दो पाइप को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद ये एंड कैप 18 रुपये में मिलता है 1 इंच का, और दूसरा जो है ये वाला जो है एंड कैप है 4 इंच का है, ये आपको 8 रुपये में मिल जाते एक एक पीस। अब फिर अब देखो ये पाइप है, समझो ये पाइप को क्या है, ये कपलर का मैं फंक्शन बता, एंड कैप ऐसा हो जाता है, एंड कैप ऐसा बैठ जाता, और ये 45 सब ऐसा बैठ के फिर नीचे जाता समझो। फिर उसके बाद ये प्लेन टी है, ये वाला प्लेन टी है, ये आपको 30 रुपीज़ में मिल जाता। और ये ब्रास यल मैं बोला ना आपको, एक ऐसा वाला आता, एक ऐसा वाला आता, टी ब्रास और प्लेन कपलर ब्रास, दो टाइप में, ये थोड़े कॉस्टली छे प्रोडक्ट। तो ये पाइपलाइनिंग के बारे में हो गया, तो आपको कैसा लगा ये वाला वीडियो ज़रूर हमको बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, आपको इसी तरह से और भी हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको नज़दीक जाके दिखाऊंगा, शायद किसी को कुछ क्लियरिटी नहीं हुई बोले तो भी आप लोग देख सकते हैं, ऐसे रहते हैं ये, बहुत मटेरियल लगता है यार। घर बांध रहे बोले तो लोग समझते हैं कि सस्ते में घर होता बोल के, ऐसा कुछ नहीं, एक एक चीज़। अब बाथरूम मैं आपको बोलता हूँ, इसी के साथ मैं आपको और कुछ भी बता, ये सब कहाँ पर यूज़ होता है, ओके। और एक चीज़ यूज़ भी कहाँ पर होता वो भी सही है ना। चलिए अभी इसी वीडियो से यूज़ कहाँ पर होता बोल के भी मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से ये पाइप्स है दोस्तों, बहुत महंगे हैं। अब यूज़ कहाँ पर हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। लेट्स से ये कावेल बोला जाता है इसको, कावेल या फिर एंड कैप, गैस वेंट पाइप का कैप बोलते हैं इसको, कावल, वो 45 और 55 रुपीज़ को मिलता। और फिर ऐसा ही देखो, वो जो लोहे का बताया था ना, यहाँ पर यूज़ हुआ देख लो, ये पाइप्स कपलर प्लेन यल, ये स्टेप ओवर बैंड 1 इंच का, 4 इंच का स्टेप ओवर बैंड है ये। हेलो, ये देख लीजिएगा एस्ट्रॉल, ये इसमें और एक ग्लू मिलता है, ये 118 ml का एक, सेम इसी तरह से पूरा ऐसा पाइपलाइन सिस्टम के लिए यूज़ होता है। और जितना भी मैं बताया देखो कहाँ पर यूज़ होता बोले तो इधर यूज़ होता, ओके। और एक चीज़, ये 3 टॉयलेट रूम यहाँ पर है, खाली 1 टॉयलेट रूम उस पार है, उसकी वजह से ये सब मतलब टॉयलेट रूम जितना हो सके उतना एक ही जगह पे है तो और सबसे बेस्ट रहता देखो। तो बाथरूम बनाते समय अगर मैं और एक वीडियो भी बनाऊंगा कैसे आप लोग पैसे बचा सकते हैं बोल के, स्पेशली इन बाथरूम में लगभग मिनिमम आप 20 से 30 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। तो पाइपलाइनिंग सिस्टम अगर कॉमन रहा समझो, एक में इंक्लूड रहा समझो, बहुत पैसा बचता, इवन कारीगर का टाइम भी बचता और आपके मटेरियल का पैसा भी बहुत ज़्यादा बचता। ओके, थैंक यू। पर्ची देख लियो ये वाला, ये आइटम्स विथ रेट,
ओके, आप स्क्रीनशॉट लेके आप लोग यूज़ कर सकते हैं ये वाला, 38% 40% कुछ डिस्काउंट भी मिलता आप लोगों को। यहाँ पे और एक है, फिर 30,000 तक हुआ, और इससे पहले भी और भी मटेरियल लाया था 20,000 तक। जो भी अब मटेरियल बचता देखो वापस देने का रहता है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना है, थैंक यू।